Inquiry and inspection. सबसे पहले हम आते हैं इंक्वायरी अंडर सेक्शन. ये करीब करीब जो पुराने सेक्शंस थे उसी की तरह हैं. ओके, इंक्वायरी के नाउ आरओसी हैज पावर टू कॉल, power to call information in books of accounts in books and to inspect books of accounts. ठीक है, तो ये कब करेगी आरओसी? या तो ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड. ठीक है, इन सब के बेसिस पे अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है, आरओसी सेटिस्फाइड. क्या सेटिस्फाइड हो जाती है कि या तो कोई यदि वो सेटिस्फाई हो जाती है कोई अनलॉफुल एक्टिविटी चल रही है या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी चल रही है. अनलॉफुल एंड फ्रॉडुलेंट. ठीक है, तो वो इंक्वायरी करेगी या फिर दूसरी वो इंक्वायरी कर सकती है ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन. हम लोग टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट्स फाइल करते रहते हैं, तो आरओसी उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करती है. स्क्रूटनी के बाद उसे लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन मांगती है. इन्फॉर्मेशन के बाद उसको लगता है बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, वो बुक्स ऑफ अकाउंट मांगती है. उसके बावजूद भी उन सबको देखने के बाद में उसको लगता है कि कुछ फ्रॉडुलेंट है या कुछ अनलॉफुल हो रहा है, तो वो इंक्वायरी ऑर्डर कर देती है. ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट है ये वो कंपनी से भी मांग सकती है, कंपनी के ऑफिसर से भी मांग सकती है. उसके अलावा जो कंपनी छोड़ के जा चुके हैं यानी एक्स ऑफिसर्स हैं, उन सब से भी इन्फॉर्मेशन. तो ये किस किस से मांग सकती है? कंपनी से मांग सकती है, कंपनी के ऑफिसर से मांग सकती है और एक्स ऑफिसर से भी मांग सकती है. ठीक है, और इन सबको मिलने के बाद में उसको लगता है कि और डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो वो क्या कर सकती है? मे रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ फर्दर डॉक्यूमेंट्स. कि भाई और डॉक्यूमेंट्स दीजिए, प्रोडक्शन ऑफ फर्दर डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेपर्स फॉर इंस्पेक्शन. ठीक है, अब कोई यदि
आरओसी के नोटिस की नो रिप्लाई है या इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वो इनएडिक्वेट है या जो स्टेट ऑफ अफेयर्स अनसेटिस्फैक्ट्री है। हाँ जी, इस केस में क्या होगा, इन सबको के रीजन आरओसी सेल स्पेसिफाई द रीजन इन द नोटिस। नोटिस में इन सबके रीजन बताए गए है ना कि भाई ये इंक्वायरी क्यों की गई, क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, क्या क्या नहीं दी गई, क्या गलत थी। ओके, हाँ जी, बात आती है समझ में। इन सब के केसेस में वो इंक्वायरी या इंस्पेक्शन करा सकती है। ओके, तो जब भी यदि कोई फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल होगा तो जब उसको लगता है कोई फ्रॉडुलेंट है तो जो ऑफिसर होगा, एवरी ऑफिसर एंड कंपनी इन्वॉल्व इन दिस अनलॉफुल एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। तो 447 के अंदर पनिशेबल होगा। तो इसके बेसिस पे यदि उनको लगेगा कि इंस्पेक्शन ऑर्डर करना है तो इंस्पेक्शन ऑर्डर हो जाएगा इन सब इंक्वायरी के बाद में। हाँ जी, अब इंस्पेक्शन में आ जाते हैं। क्या नियम है इंस्पेक्शन के लिए, क्या रूल्स नए कंपनी एक्ट के अंदर है। न्यू कंपनी एक्ट कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथोराइज एनी स्टेटरी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथोराइज एनी स्टेटरी अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट अकाउंट्स ऑफ एनी कंपनी एनी क्लास ऑफ कंपनी एनी कंपनी एनी क्लास ऑफ द कंपनी। ओके, और जो भी इसको इस इंस्पेक्शन में सहयोग नहीं करता है या इंस्पेक्शन के अंदर उनकी मदद नहीं करता है, ठीक है, कॉपरेट नहीं करता है डिपार्टमेंट के साथ या गलत इन्वॉल्वमेंट अनलॉफुल एक्ट करता है, तो कंपनी और एवरी ऑफिसर इज पनिशेबल। तो ये पनिशमेंट क्या है, इज पनिशेबल with the fine that is 1 lakh
ओके एंड कंटिन्यू फाइन पे एंड ₹500 पर डे, ये फाइन लग सकता है। अब ये जो इंस्पेक्टर्स हैं इनकी क्या पावर है, क्या तो बेटे जो सिर्फ इन सब जितने भी सारे एक्ट हम पढ़ाते हैं, हर एक्ट में इंस्पेक्टर्स की 5 पावर होती है, मार्क करना, विजिट करना 10 डेज, तो वही पावर इसके अंदर है, पावर ऑफ इंस्पेक्टर। क्या क्या पावर होंगी? हाँ जी, सबसे पहली पावर है पुट एनी मार्क ऑन डॉक्यूमेंट्स और बुक्स। फिर पावर ऑफ सिविल कोड, सिविल कोड की जो पावर होती है हर एक लॉ के अंदर वही है। क्या क्या पावर होती है? डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इश्यू समन्स, टेक या हैव स्टेटमेंट अंडर ओथ, टेक हैव स्टेटमेंट अंडर ओथ, उसके अलावा इंस्पेक्ट बुक्स, रजिस्टर एटसेट्रा एट रजिस्ट्रार्ड ऑफिस और एट एनी अदर प्लेस, एट रजिस्ट्रार्ड ऑफिस और एट एनी अदर प्लेस। और इसमें यदि इन्होंने कोई गिल्टी पाई गई या नहीं सहयोग किया तो पनिशमेंट ₹1 इम्प्रिजनमेंट, और फाइन कितना है? ₹1,00,000 to ₹25,00,000, ₹1,00,000 to ₹25,00,000। ओके, उसके अलावा जो भी डायरेक्टर नॉमिनेट हुआ इसके अंदर ही डिस्क्वालिफाइड फॉर हैविंग पोजीशन एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी, एनी अदर कंपनी कह दीजिए, एनी अदर कंपनी फॉर 5 years, 5 साल तक वो किसी और कंपनी में कोई डायरेक्टरशिप या कोई पद नहीं ले सकता। उसके अलावा आरओसी क्या कर सकती है? आरओसी में रिकमेंड अंडर सेक्शन 206 एंड 207 फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है,
अलावा अंडर सेक्शन 206 एंड 20 इसके अलावा फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और प्रोविजंस है सेक्शन 209 सर्च एंड सीजर्स। सेक्शन 210 इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और अंडर सेक्शन 212 इन्वेस्टिगेशन बाय SFIU स्पेशल, है ना, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ये सारे पॉइंट्स और हैं, तो ये आप उसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे कराते हैं। ठीक है, तब तक आप नोट कीजिए, दो मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। हाँ जी, तो ये आपने किया नोट,
अब आ जाइए सर्च एंड सीजर। सेक्शन 209 सर्च एंड सीजर। तो ये सेक्शन 209, पहले जो सेक्शन 209 हम पढ़ाते थे बुक्स एंड अकाउंट्स वाला, अब ये सब सारे सेक्शंस बदल गए, लगभग लगभग 84-85 सेक्शंस कम हो गए। तो ये सर्च एंड सीजर है सेक्शन 209। ये कहता है रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, रजिस्ट्रार है या इंस्पेक्टर है, हैज पावर्स रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर हैज पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। ठीक है, कब, जब उसको लगता है कि कंपनी या कंपनी का कोई ऑफिसर या कंपनी का की मैनेजमेंट पर्सनल, कंपनी का कोई ऑफिसर, कंपनी का की मैनेजमेंट पर्सनल, डायरेक्टर, अब ध्यान देने वाली बात है डायरेक्टर के अलावा, अब इन्होंने हम प्रोफेशनल्स को भी ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हाँ जी कंपनी ऑफिसर की मैनेजमेंट पर्सनल डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, उनको लगता है कि ये लोग अब इन्होंने कंपनी ऑफिसर की के अलावा ऑडिटर्स एंड जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है उनको भी इसी कैटेगरी में रख लिया। यदि उसको लगता है कि ये लोग किन्हीं कागज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, म्यूटिलेट कर सकते हैं अल्टर्ड कर सकते हैं, म्यूटिलेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अल्टर्ड कर सकते हैं और फॉल्सिफाइड कर सकते हैं, फॉल्सिफाइड, यदि उसको इन लोगों पे शक होता है, कंपनी के ऑफिसर्स की मैनेजमेंट पर्सनल ऑडिटर्स कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, तो क्या कर सकता है, इनकी पावर क्या है, तो उस केस में रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर, तो रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर क्या करेगा, तो जो आरओसी है या इंस्पेक्टर है विद द परमिशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, ठीक है, आपके प्रिमिजेज में एंटर हो सकता है सर्च कर सकता है द प्लेस और या बहुत सारे प्लेस हो, कई जगह आपके रखते हो तो प्लेस है, यू कैन एंटर सर्च द प्लेस और places, he can seize books, papers after allowing, company को allow कर देगा, company से कहेगा चलो photocopy करा लो, after allowing company to have
फोटोकॉपी कि भाई आप चाहते हो तो फोटोकॉपी करा लीजिए, और इस ये जो सीज डॉक्यूमेंट है ये 180 दिन के लिए रख सकता है। सीज डॉक्यूमेंट्स कैन बी कैप्ट बाय रजिस्ट्रार अप टू 180 डेज प्लस, जो 180 डेज से और बढ़ सकते हैं फर्दर 180 डेज, ठीक है। तो इसकी ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनकी कॉपी ले सकता है देने से पहले, उस पर मार्क कर सकता है और चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकता है कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट में इनका इन्वेस्टिगेशन करा लिया जाए, इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करा लिया जाए। तो ये आपके प्रोविजंस मैंने बताए सेक्शन 209 के, रजिस्ट्रार को और इंस्पेक्टर को पावर है, उसे लगता है कोई कंपनी है, कोई ऑफिसर है, कंपनी है, कंपनी का ऑफिसर है, की मैनेजमेंट पर्सनल है, डायरेक्टर है, इवन उसके जो ऑडिटर है या उसके जो प्रैक्टिसिंग चार्टर कंपनी सेक्रेटरी है, ये आल्टर कर देंगे, म्यूटिलेट कर देंगे, फाल्सिफाइड कर देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे डॉक्यूमेंट्स को, तो वो क्या करेगा, एंटर हो जाएगा, सर्च प्रिविलेज करेगा, उनकी कॉपी को ले लेगा, ठीक है, आपको फोटो कॉपी अलाउ कर देगा, उसको 180 दिन तक 180 डेज तक रख सकता है, और उस 180 डेज को और एक्सटेंड कर सकता है 180 डेज को, और उसको लगता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते। ओके, तो ये जो है ये आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया। उसके बाद सेक्शन 2010 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कब को कर सकता है, एक तो ये वाला केस जब 209 के अंदर आरओसी ने रिपोर्ट भेजी हो, उसके अलावा यदि उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो या कंपनी ने खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करी हो, या उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए, तो 210 के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ओके, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 212 के अंदर मैटर रेफर कर सकती है किसको, स्पेशल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, जो SFI होता है उसको मैटर रेफर कर सकती है फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाते इन्वेस्टिगेशन बाई SFIU अंडर सेक्शन 212। थैंक यू वेरी मच।